या रोल। तो ऐसा क्या हुआ जो कहती को इतना मतलब नाराज़गी हो गई? एक्चुअली नाराज़गी से ज़्यादा वो कंफर्टेबल नहीं है यहाँ पे। बड़े शहर में रहने की आदत है और बड़ा घर है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कभी इश्यूज़ नहीं होता और मच्छर वच्छर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और यहाँ और खाना बिल्कुल ही अलग होता है इनका हमसे। तो एक तो उससे जो मैंने खाना सर्व किया था जो हमारे यहाँ बनता है उसमें हम घी अच्छी तरह से दिल खोल के घी डालते रोटियों पर और खिला रहे हैं, तो घी देख के थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है कि इतना घी बहुत अनहेल्दी है। और लाइट चली जाती है बूंदी में, अक्सर छोटा शहर है तो गर्मी का प्रॉब्लम है, मच्छरों का प्रॉब्लम है, तो सिर्फ वो थोड़ी अनकंफर्टेबल है। नाराज़ नहीं है वो किसी से, वो बस अपने घर वापस जाना चाहती है, कंफर्टेबल होना चाहती है बस। मतलब इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है कि वो करण और कुणाल को भी साथ में ले जाना चाहती है। करण और कुणाल को नहीं, सिर्फ करण को। वो सोच रही थी कि करण भी शायद साथ में ही जाएगा, तो उसने बात ज़रूर की बट करण अब शायद रुक जाएंगे एक दिन के लिए। तो और क्या ऐसी रस्में देखने मिलेगी पक्की की रस्म में? जो काफ़ी कुछ है, एक और ट्विस्ट भी है जो मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, वो अभी तक हमने शूट भी नहीं किया है, बट उसके लिए आप प्लीज़ देखिए, एक ट्विस्ट है इसमें। तो संगीता लास्टली कहना चाहेंगे, वैलेंटाइन का मौका है और कल वैलेंटाइन है, तो व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे? आपके कुछ प्लान्स हैं वैलेंटाइन के? मेरे है ना बहुत सारे प्लान्स हैं। सुबह आके पहला सीन एक करना है, उसके बाद दूसरा सीन करना है, फिर तीसरा सीन करना है, और उसके बाद अगर रात को 9 बजे तक सब फिनिश हो गया तो 10 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, तब तक आई विल बी डेड टायर्ड और मैं सो जाऊंगी। वैलेंटाइन का होगा कुछ और भी, सो आई विल बी वर्किंग बेसिकली। बट वैलेंटाइन के लिए मैसेज ये है कि मुझे लगता है कि अगर आप सच में प्यार में हो तो आपके लिए तो हर दिन वैलेंटाइन होता है, और अगर ये प्यार का ही दिन है तो मेरे तो हर दिन वैलेंटाइन होता है। और व्यूअर्स के लिए ये कि मुझे लगता है इस साल मेरे वैलेंटाइन्स आपके लोग, आप सब लोगों के लिए हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। ओके, एक ऐसा विश अगर मांगना मिले कि वैलेंटाइन में मांगना, तो क्या मांगेंगे? सच्चा प्यार और क्या। Well, okay. Thank you. Thank you. So that's it. Thank you so much. Thank you so much.